पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड में हैं जिसमें कुछ सिम्टम्स देख रहे हैं, जैसे कि लो एनर्जी लेवल, थकावट, ब्रेथलेसनेस की फीलिंग होना, थोड़ा सा काम करना और थक जाना, चेस्ट कंजेशन होना, बलगम बनना, एपेटाइट लॉस हो जाना, टेस्ट बड्स नहीं रहे हैं, हेडेक हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंग्जाइटी है, फियर है, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है। अगर ये सब सिम्टम्स आप फेस कर रहे हो और ये इफ़ेक्ट रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड रिकवरी के बारे में। तो इसमें कौन से फैक्टर्स हमें कंसिडर करने हैं, पहले हम वो बात करते हैं। इसमें हमने 6 फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। पहला, इस टाइम पे आपको काफ़ी फटीकनेस और लेथार्जिक लेजीनेस ऐसी फीलिंग आ रही होगी, तो इसको रिकवर करने के लिए हमें एनर्जी बूस्टिंग फूड चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात, हमें चाहिए प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ रीगेन करनी है, हमारे मसल टिश्यू ब्रेक हुए हैं, तो हमें यहाँ पर प्रोटीन रिच फूड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा गट हेल्थ, ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोविड के टाइम पे अपना कुछ स्टमक इन्फेक्शन भी फेस किया होगा, तो इस टाइम पे स्टमक को इम्प्रूव करने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रोबायोटिक्स हमारे लाइव बैक्टीरियाज हैं जो हमें फर्मेंटेड फूड से मिलते हैं। और इसके अलावा हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच फूड जैसे कि विटामिन सी, जिंक, सिलेनियम, ऐसी चीज़ें भी चाहिए जो हमें सिर्फ सप्लीमेंट या पिल फॉर्म में नहीं, हमें खाने से भी मिल सकती हैं, जो हम अपनी डाइटी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी इन्फ्लामेशन को कम करें और जो फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट कर सकें, एंटी इन्फ्लामेटरी रिच फूड और एंटी ऑक्सीडेंट रिच फूड जो है इस टाइम पर हमें चाहिए। और साथ ही साथ में बॉडी को हाइड्रेशन करना है, पानी का इंटेक अच्छा देना पड़ेगा, ताकि जो वायरस इन्फेक्शन आपने कैच किया था बॉडी में, उसको एक जगह ना मिले और उसका ट्रैवल जोन जो है वो खत्म हो हमारी बॉडी में। हाइड्रेटिंग मोड से जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी एक क्षमता मिलेगी इन सब चीज़ों के साथ फाइट करने के लिए। इन सब रूटीन में जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, वो सबसे पहली है कैफीन। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इंटेक ले रहे हो कि मुझे बहुत फटीग हो रहा था, टायर्ड फील कर रहा हूँ, एनर्जी नहीं लग रही है, तो बस चाय का कप पी लेते हैं और एनर्जी ठीक हो जाएगी, ये चीज़ें आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और क्रिएट करेंगी। और टैनिन का जो एंजाइम है वो आयरन को ट्रैवल नहीं होने देगा, जिससे ऑक्सीजन और कम होता है। सो हमें कैफीन जो है वो यहाँ पर कम करना है। नंबर 2, हमने रिफाइंड और प्रोसेस फूड इसमें नहीं लेना है, जैसे कि हमारे बिस्किट, नमकीन, रस, मैदे से बनी हुई चीज़ें, जो चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करती हैं, हमने उनको अवॉइड करना है। नंबर 3, हमने फोर्स फीडिंग नहीं करनी है, बिकॉज इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी रिकवरी में है तो बिना बात से हमने ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है कि हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को जो है वो खाना देना है। जितना ज़्यादा आप खाना ज़्यादा प्रोवाइड करोगे जो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो सारी एनर्जी बॉडी की डाइजेशन में लग जाएगी, जबकि यहाँ पर हमें एनर्जी चाहिए थी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। सो हमने ओवर फीडिंग नहीं करना है, इतना खाना खाना है जिससे आपकी बॉडी की एपेटाइट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए और आपको एनर्जी बूस्ट हो। हमने ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आप पहले एक्सरसाइज बहुत करते थे और रिकवरी पीरियड पे आपको लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और एकदम से मैं कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट स्टार्ट कर दूँ, तो वहाँ पर आप गलती करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी बॉडी के मसल टिश्यू अभी रिकवरी मोड पे हैं। तो हाँ, इस रिकवरी जोन पे अगर हम एकदम से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो वो आपकी बॉडी को इंजरी दे सकते हैं। हमें इतना वर्कआउट करना है जिससे आपकी बॉडी रिकवरी के टाइम पे बूस्टिंग ऑफ एनर्जी में हेल्प कर सके। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप अपना इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट बढ़ा सकते हो, एकदम से बॉडी को हिट नहीं करना है। हमने अल्कोहल और स्मोकिंग का इंटेक नहीं रखना है, बिकॉज अल्कोहल और स्मोकिंग एक टॉक्सिक फूड है, और टॉक्सिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेमेशन और बढ़ेगी। और भगवान ने आपको एक नया जीवन दिया है, तो जितना सात्विक और एक अच्छा प्लांट बेस्ड डाइट खाएंगे, वो चीज़ें आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और हेल्प करेगा। जो चीज़ें हमने याद रखनी है वो क्या है, कि हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस उनको हमने हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये सारी खेल हमारा एक लंग्स का खेल था, और इसी में हमारी बॉडी को एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक, जैसे कि प्राणायाम होना, सुदर्शन क्रिया जिसमें हम 4 सेकंड की इनहेल करते हैं, 4 सेकंड के लिए होल्ड, 6 सेकंड के लिए एक्सहेल करना, और 2 सेकंड के लिए जो वो होल्ड करके, ये टेक्निक जो है वो हमने 15 से 20 मिनट की रेपिटेशन के साथ लंग्स को क्लीन करने में और सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने में बहुत हेल्प कर सकती है। इस टाइम पे स्लीपिंग पैटर्न, मतलब आपका एडिक्वेट स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात के टाइम पे बॉडी रिपेयर होती है, या बीच में जब आप नैप लेते हो उस टाइम पे बॉडी को रेस्टिंग मोड पे ही रिपेयरिंग का टाइम मिलता है। और जितना बॉडी रिपेयर करेगी उतना ही इम्यून सिस्टम जो है उसको टाइम मिलेगा अपने सेल्स को, अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो वी नीड रेस्ट, तो रेस्ट इज़ बेस्ट ड्यूरिंग पोस्ट कोविड रिकवरी। लेकिन इतना नहीं रेस्ट करना है कि हम लेजी हो रहे हैं, हमने लेजी नहीं करना है, इतना रेस्ट करना है जिससे आपकी बॉडी रिपेयर हो। सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी यहाँ पर हमारे इम्यून सेल्स को, इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो सुबह की जो सनराइज से लेकर 9 बजे तक की धूप होती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। बॉडी की मसाज करना, बिकॉज इस टाइम पे आपको बहुत बॉडी पेन्स हो रहे होंगे, ज्वाइंट पेन्स हो रहे होंगे, तो इस टाइम पे बॉडी की मसाज विद सेसमे ऑयल,
थोड़ा सा सेसमे ऑयल मतलब तिल का तेल थोड़ा गर्म करके उसको अपनी ज्वाइंट्स पे, अपनी हील्स पे जो है वो अपर मोशन पे आप मसाज कर सकते हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो वो बेटर हो सकता है। मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थक चुके हो और आपको बहुत फटीक टायर्ड फील हो रहा है, इस टाइम पे आपकी बॉडी जो है थकावट की वजह से बहुत कम मूव कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप स्टिफनेस मोड पे आ गए तो बॉडी को एक तरह से मौका मिलेगा फैट को एक्यूमुलेट करने का। सो प्लीज़ कीप मूविंग, आफ्टर एवरी 40 to 50 मिनट्स मूव करो, खाना खाने के बाद 10 मिनट के बाद मूव करो, और धीरे धीरे करके एक्सरसाइज का रूटीन अपनी एक पोस्ट रिकवरी टाइम पे इंक्लूड करना स्टार्ट कर दीजिए। इस टाइम पे स्टीम और गागल, ये सब चीज़ें हम बहुत इजीली ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे भी और पोस्ट कोविड के टाइम पे भी हमारा एक रूटीन बन गया हुआ है कि स्टीम लेना चाहिए, गागल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक आइसोलेटेड प्लेस नहीं है जहाँ पे आपका पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी रह रही है, और आपके पास एक अलग से कमरा नहीं है जहाँ पे आप प्रॉपर स्टीम या गागल कर पा रहे हैं, इन दैट केस आप स्टीम और गागल को प्रिकॉशन के साथ करो, ताकि जो पार्टिकल्स जो एयर में जा रहे हैं वो दूसरे फैमिली मेंबर को जो वो इफेक्ट ना करें। सो इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है ड्यूरिंग स्टीमिंग एंड गागलिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज ग्रैटिट्यूड, तेरा पाना मीठा लागे, मतलब भगवान के हुक्म में रहना कि जो हमारे इम्यून सिस्टम ने इतना जंग लड़ी है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, अब मेरी आगे वाली लाइफ जो है इसी ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हुए गुजारना है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो डाइटरी प्लान जो पोस्ट कोविड रिकवरी में आपको हेल्प कर सकती हैं। तो इसमें मैंने इसको डिवाइड किया है कुछ मिड मील्स में और कुछ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की कुछ ऑप्शंस जो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जनरल गाइडलाइंस हैं। इसमें हमने सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग में ऑयल पुलिंग करना है, गागल करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, ब्रीदिंग करनी है, और फिर हर्ब्स एंड स्पाइस का कंकॉक्शन लेना है। सो ये जो चार प्रैक्टिसेस हैं ये आपका लाइफ लॉन्ग का रूटीन होना चाहिए। इसमें ऑयल पुलिंग, क्या होता है ऑयल पुलिंग? ऑयल पुलिंग इज बेसिकली मुंह में हम कोकोनट ऑयल या फिर हम रॉ वर्जिन ऑलिव ऑयल या सेसमी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल जो है वो मुँह में रखते हैं एक चम्मच, उसको हम घुमाते हैं, स्विश करते हैं और फिर स्पिट कर देते हैं। ये आप 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि जितनी भी टॉक्सिटी आपके मुंह में होती है, ओरल हेल्थ जो है वो आपकी क्लीन हो जाती है, जिससे आपके गुड बैक्टीरिया जो है वो आपकी ओरल हेल्थ में अगर रहेंगे तो वो अंदर बैड बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो है वो नहीं बनती हैं। तो दिस इज अ ऑयल पुलिंग, यू शुड डू इट फॉर योर क्लीन ओरल हेल्थ। और ये प्रैक्टिसेस करने के बाद हमारा पहला जो एक ड्रिंक जाएगा बॉडी में वो है कुछ कंकॉक्शन विच इंक्लूड्स इंडियन, हमारे इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जैसे कि तुलसी के पत्ते, साथ में क्लोव, इलायची, दालचीनी और ब्लैक पेपर। तो पहले हमने क्या करना है, 3 से 4 पत्ते तुलसी के, 1 क्लोव, 2 से 3 इलायची और 4 से 5 रॉ ब्लैक पेपर को बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद छानना है और उसके बाद उसमें सिनेमन डाल लेना है। सिनेमन को बॉयल नहीं करना है, सिनेमन को ऊपर से डालना है ताकि इसकी एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो लॉस ना हो। तो अगर ये नहीं आप लेना चाहते हो, इसको कभी भी ओवरडू मत कीजिएगा, बिकॉज कई बार हमने देखा है कि ये काढ़ा जितना ज़्यादा पीते रहते हो उससे और ज़्यादा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है। सो जस्ट बी केयरफुल, इसको मॉडरेशन में लेना है। अगर ये नहीं लेना चाहते तो किसी दिन हम लेमन विद रॉ ऑर्गेनिक हनी ले सकते हैं या फिर आंवला का जूस ले सकते हैं। तो आंवला का जूस हम 50 ml इन 200 ml ऑफ वाटर में ले सकते हैं, और 1 लेमन विद 1 टीस्पून ऑफ हनी जो है इसको मिक्स करके 250 टू 300 ml पानी में लिया जा सकता है। इसके बाद फिर आपने दिन की शुरुआत में चाय नहीं लेनी है। पहली चीज़ आपने फ्रूट खाना है, वो फ्रूट जिसमें हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, जिसमें हमारी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हो, जैसे विटामिन सी हो और हमारे जिंक, सिलेनियम, ये सब चीज़ें हमारे नट्स और सीड्स से आएंगी। तो फ्रूट्स में है एप्पल, पपाया, ऑरेंज, वैसे कोई भी सीजनल लोकली अवेलेबल फ्रूट आप यूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट फ्रूट जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन सी और हमारे कंटेंट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट कंप्लीट हों, तो वो हम दिन की शुरुआत वहाँ से करेंगे। इसी के साथ हम नट्स ले सकते हैं, जिसमें हम 5 से 6 बादाम और वॉलनट, इसको हम भिगो के हमेशा लेंगे। और भिगोने का रीज़न ये है ताकि इसका फाइटिक एसिड कंटेंट जो है वो लॉस ना हो, मतलब आयन जो है वो लॉस ना हो, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इसके ऊपर अटैक ना करें। और इसके साथ हम 2 फिग ले सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। इन सब चीज़ों से आपका एनर्जी बूस्टिंग पावर अच्छा रहेगा, आपको फटीकनेस, टायर्ड फील नहीं होगा, ये दिन की शुरुआत में ही आपको पुश देने में हेल्प करेगा। ब्लैक रेजिन, काला मनक्का का भी सो किया हुआ यूज़ किया जा सकता है, विच इज़ रिच इन आयन। सीड्स का इंटेक, जैसे पम्पकिन, सनफ्लावर सीड जो है, इससे हमें जिंक, सिलेनियम, ऐसी माइक्रोन्यूट्रिएंट यहीं से मिलने वाले हैं। तो 1 टेबलस्पून हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ सोक करके सुबह सुबह ले सकते हैं। तो ये हमारा एनर्जी बूस्टर मील है, इसमें फ्रूट, नट्स, सीड्स और ये ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। मिड मॉर्निंग के टाइम पे आप किसी भी तरह का ड्रिंक ले सकते हो ताकि बॉडी को हाइड्रेट किया जा सके, जैसे कि कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, बटर मिल्क,
कांजी, राइस कांजी, बीटरूट या कैरेट की कांजी जो सीजनली अगर अवेलेबल है, क्योंकि ये फर्मेंटेड आइटम है और गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। जलजीरा घर का बनाया हुआ, कोकम शरबत अगर आप उस एरिया में जहाँ पे कोकम लोकली अवेलेबल है तो हम कोकम वाटर ले सकते हैं, कोकम शरबत। इलायची का पानी आपको हेडेक नहीं होने देगा, तो इलायची जो है वो 2 से 3 भिगो के उसको छान के इसका पानी पिया जा सकता है। और या फिर हम वाटरी फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन जो सीजनल अवेलेबल हैं। और या फिर दही का इंटेक इस टाइम पे हो सकता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि म्यूकस है या फिर बलगम हुई हुई है तो दही लें या ना लें, तो इस टाइम पे अगर दही लेना चाहते हैं तो हमेशा उसमें जिंजर पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची और फ्लैक्सीड पाउडर जो है वो थोड़ा सा आप डाल सकते हो ताकि इससे आपको बलगम ना हो। और रेफ्रिजरेटेड दही यूज़ नहीं करना है, नॉन रेफ्रिजरेटेड दही जो है वो यूज करना है। तो मिड मॉर्निंग के हम ये ड्रिंक्स यूज कर सकते हैं, इवनिंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे आप ये वाला कंकॉक्शन जो सुबह लिया था वो यूज कर सकते हैं। और इसके साथ और जब भी अगर चाय भी पीना चाहते हो तो दूध को अलग से और ये जो इंडियन हर्ब्स हैं उनको अलग से उबालो और फिर उसको मिक्स करो। दूध को इनके साथ हमने उबालना नहीं है जिससे इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी फिर से लॉस हो जाएगी। इसके साथ जो स्नैक्स ले सकते हैं एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, प्रोटीन के लिए भी और अच्छे फाइबर के लिए, वो है मखाने, चने, पीनट्स, इनको हैंडफुल तक लेंगे। अगर ज्यादा लोग हो तो गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। और इसके अलावा हम कोकोनट जो ड्राई फॉर्म में भी लिया जा सकता है या कोकोनट को हम एक चिड़वा में भी डाल के ले सकते हैं। और या फिर चिकपी मतलब जो हमारे काले चने या ब्लैक वाइट चने होते हैं उसकी बॉयल की हुई चाट भी बना सकते हैं, इसमें अनियन टमाटो वगैरह डाल के ले सकते हैं। और ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में हमारे नॉर्मल इंडियन खाना आएगा, जैसे कि कुछ ऑप्शन ब्रेकफास्ट के होते हैं वेजिटेबल दलिया, उपमा, पोहा, इसमें वेजिटेबल्स डाल के लेंगे फाइबर के लिए। और अगर आप स्प्राउट्स यूज करना चाहते हो तो उसमें स्टीम स्प्राउट्स लेंगे क्योंकि इसमें विटामिन सी भी आ जाएगा और प्रोटीन भी आ जाएगा। लेकिन हमने ब्रेड्स अवॉइड करनी है, मैदा अवॉइड करना है, बिस्किट्स अवॉइड करने हैं सुबह के, हमने बिस्किट्स का इंटेक तो वैसे भी रिफाइंड है तो ये चीजें हमने अवॉइड करनी है। अगर ये चीजें आप लेंगे तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम जो है वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म का काम नहीं करेगा। वी नीड होममेड चीजें जिसमें ज्यादा एनर्जी हो, प्रोटीन हो, फाइबर हो। लंच और डिनर में आप रोटी का इंटेक, इंडियन डाइट में रोटी जो है वो 50% हम मिलेट्स को हम वीट के साथ मिक्स कर सकते हो जैसे कि जौ, ज्वार, रागी, और 50% वीट डाल के ले सकते हो। अगर शुरू शुरू में आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इसको आप गर्म पानी के साथ ही हमेशा बनाइएगा ताकि ये सॉफ्ट बने, जितनी सॉफ्ट होगी तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। इसके साथ आप दाल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं जो भी सीजनल हमारे पास अवेलेबल है। लेग्यूम्स को हमेशा सोक करके यूज़ कीजिएगा और सोकिंग के टाइम पे थोड़ा नमक डाल लीजिएगा ताकि आपको एसिडिटी फील ना हो। और अगर ड्यूरिंग दिस टाइम हमें प्रोटीन चाहिए तो वी कैन हैव पनीर इन लंच ऑल्सो। रात के टाइम पे हमें थोड़ा लाइट मील चाहिए तो सबसे लाइटेस्ट मील हमारा खिचड़ी है। तो अगर आपको जल्दी इतना एपेटाइट डेवलप नहीं हो रहा है तो लंच में भी आप खिचड़ी यूज़ कर सकते हो। और खिचड़ी इज़ वन ऑफ द मील जिसमें कंप्लीट अमीनो एसिड्स होते हैं, मतलब कार्ब्स और प्रोटीन का एक कंप्लीट मिक्सचर है, लाइसिन और मैथियोनिन ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारा एक बेस्ट मील रहेगा ड्यूरिंग पोस्ट रिकवरी। और अगर ये नहीं खाना चाहते हैं तो रोटी इसी आटे की जो मैंने पहले बताई या दाल या सब्जी, और अनदर ऑप्शन इज लाइक वेजिटेबल राइस के साथ हम कोई भी वेजिटेबल करी ले सकते हैं। बस ये कि हमने थोड़ा लाइट मील जो है वो इस टाइम पे रखना है रात के टाइम पे, या आपके एपेटाइट के अकॉर्डिंगली जो आपकी बॉडी अलाउ करती है उतने मील को ही हमने खाना है। सो बेसिकली हमारा जो पोस्ट रिकवरी पीरियड है उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि बॉडी रिकवरी मोड पे है तो हमें ना तो इतना ज़्यादा खाना है जिससे हमारी बॉडी जो है वो डाइजेशन मोड पे ना आए, और ना ही हमने इतना स्टार्व करना है कि मन ही नहीं कर रहा था, एपेटाइट नहीं है तो खाया ही नहीं है। हमने धीरे धीरे करके अपनी डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करना है। और नॉट ओनली विद द डाइटरी मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग योर पोस्ट कोविड रिकवरी, हमने धीरे धीरे करके एक्सरसाइज को भी अपना रूटीन बनाना है और ग्रेजुअली अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अपने माइक्रो न्यूट्रंस को खाने के साथ साथ अपने अगर आपको रिक्वायर्ड हैं कुछ सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन सी, जिंक या सिलेनियम, अगर ये सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सप्लीमेंट जो है वो अपनी डाइटरी रूटीन में रख सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो द फैक्टर विच कैन हेल्प टू रिकवर फॉर ड्यूरिंग योर पोस्ट कोविड रिकवरी। थैंक यू।